हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्कर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ से हमारे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में पर्यावरण की कक्षाओं को भी प्रारंभ करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको हम 8 से 10 वीडियो में कवर करेंगे और ये कक्षाएँ हमारे भारत के भूगोल के साथ चलती रहेंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा टॉपिक है पर्यावरण, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है पढ़ने के लिए। जो पहला जो हमारा 3 भाग हैं उसमें पहला जो हमारा पोर्शन है वो है पर्यावरण क्या है, इसके घटक क्या हैं और पर्यावरण से संबंधित जो संरक्षण किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हों या चाहे भारत स्तर पर हों, और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवसों को भी इसमें इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो हमें क्या मिलता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। पर अर्थात चारों ओर, और दूसरा हुआ आवरण जिसका अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। ये जान लो, ये हुआ हमारे चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र को ही पर्यावरण कहते हैं। ये तो रही हमारी शाब्दिक परिभाषा या शाब्दिक अर्थ। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक वस्तु। अजैविक या अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को ही पर्यावरण कहते हैं, या हम कहें पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर व्याप्त है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जैविक तथा अजैविक तत्व पाए जाते हैं उन सब को यदि सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाए तो कहलाता है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या हुआ, पर्यावरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों का एक सम्मिलित रूप होता है जो कहलाता है हमारा पर्यावरण। यदि हम पर्यावरण को एक रेखाचित्र के माध्यम से इसको व्यक्त करें तो हमें मिलेगा, पर्यावरण में सबसे पहले मिलता है हमारा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वहाँ स्थल भूमि पर, यानी कि भूमि पर पाए जाने वाले पर्वत, मैदान और पठार या मरुस्थल को। वहीं वायुमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं वायु में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल कण, जल वाष्प को, जो कि क्षोभ मंडल और समतल मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वहीं यदि हम जल मंडल पर बात करें तो नदी, तालाब और समुद्र, और इसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं। यदि हम जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवों का निवास होता है। यदि हम जैव मंडल को और समझना चाहें यहाँ से हम देखेंगे तो स्थल, जल और वायु के वह सम्मिलित क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल तथा वायु तीनों की विशेषताएं या तीनों मिश्रित रूप से मिलते हैं उसी को कहते हैं क्या, जैव मंडल। अर्थात जहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों की उपलब्धता हो, जिससे वहाँ पर जो जीवन है वो संभव हो सके, इसी को कहते हैं जैव मंडल। यदि हम इसको यहाँ पर रख देंगे यानी जैव मंडल के अंतर्गत मानव, जीव जंतु आदि को सम्मिलित कर लिया जाएगा। यदि हम वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर हमें विभिन्न गैसें मिल जाएंगी और धूल कण मिल जाएगा। तो धूल कण गैसें, जल, नदी जल, तालाब जल, समुद्र के जल तथा पर्वत, मैदान, मरुस्थल और साथ ही साथ
मानव तथा जीव जंतुओं का अध्ययन इनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हम वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल का एक समग्र अध्ययन करते हैं। तो ये रहा, आशा करते हैं कि हम लोग अब तक पर्यावरण क्या है इसको हम समझ लिए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ घिरा हुआ वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये रहा हमारा पर्यावरण। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। नेक्स्ट भी अपने टॉपिक से नेक्स्ट घटक को देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो पर्यावरण के घटक पाए जाते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को देखेंगे। जैविक घटक अर्थात सजीव वस्तुओं, मतलब सजीव, जहाँ पर जिनमें जीवन संभव है। तो अर्थात हम देखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव इत्यादि। ठीक, अर्थात कभी कभी पूछ लिया जाता है पेड़ पौधे पर्यावरण के कैसे घटक हैं। तो हमारा उत्तर होगा पेड़ पौधे पर्यावरण के जैविक घटक के पार्ट हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सम्मिलित होते हैं। वहीं यदि अजैविक घटक की बात करें तो हमें मिलेगा अजैविक घटक अर्थात जिसमें जीवन ना हो, निर्जीव वस्तुएं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं को रखते हैं जिसमें वायु, जल, मैदान इत्यादि भागों को देखा जा सकता है। यदि हम अजैविक घटक को भी दो भागों में बांट कर पढ़ें, एक प्राकृतिक घटक और दूसरा कृत्रिम घटक। कृत्रिम घटक यह हो वह घटक है जो मानव द्वारा निर्मित होता है, अर्थात ये प्राकृतिक घटक हो गए, ये मानव द्वारा निर्मित घटक। कृत्रिम घटक को ही मानव द्वारा निर्मित घटक कहा जा सकता है। तो ये रहा हमारा प्राकृतिक घटक के अंतर्गत हो जाएगा वायु, जल इत्यादि, पर्वत, पठार, मैदान। और कृत्रिम घटक के अंतर्गत भवन, सड़क, भवन और बनाए गए पार्क या और सारे तमाम निर्माण जो मानव के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ यदि इन्हीं घटकों के साथ यदि हम बात करें, एक और घटक हमारा बचता है ऊर्जा संगठक। तो ऊर्जा संगठक के ही अंतर्गत हम लोग देखते हैं सौरिक ऊर्जा को। किसको? सौरिक ऊर्जा को। जो ये घटक होता है, ये ऊर्जा यही पर्यावरण का घटक होता है। तो पर्यावरण को जो ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, उसी को हम कहते हैं सौरिक घटक या सौरिक ऊर्जा। इसी प्रकार पवन ऊर्जा भी होती है, भूतापीय ऊर्जा भी। ये सब जो हैं भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा संगठक के ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण के घटक को समझा। पर्यावरण घटक के अंतर्गत हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट कर पढ़ा, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक वह घटक होते हैं जिसमें जीवन संभव होते हैं, अर्थात सजीव वस्तुओं को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। वहीं अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसी वस्तुओं को उनके अंतर्गत रखते हैं जिसमें जीवन संभव ना हो, अर्थात निर्जीव। यदि हम अजैविक घटक को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं तो हमें पहला मिलता है प्राकृतिक घटक, दूसरा मिलता है मानव निर्मित या कृत्रिम घटक। तो ये हमारा अगर प्राकृतिक घटक के अंतर्गत बात करें तो वायु, जल, मैदान, पर्वत, पठार इत्यादि हमें मिल जाएंगे। वहीं यदि कृत्रिम घटक की बात करें तो सड़क, भवन, पार्क, इकोरियम या हमारा म्यूजिक हॉल, ये सब हमारे जो हो जाएंगे वो कृत्रिम घटक। और ये सारे के सारे पर्यावरण के ही घटक होते हैं। तो इस हम लोगों ने अभी तक जाना कि पर्यावरण क्या है और इसके घटक क्या हैं। आइए अब देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है
कि पर्यावरण संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या कारण थे कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें प्रकृति के द्वारा कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, यदि हम इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण यथास्थिति में चलता रहेगा। यदि हम इन्हीं संसाधनों का उपयोग ना करके, सतत उपयोग ना करके हम इनके दुरुपयोग करने लगते हैं, अर्थात यदि हम इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लगते हैं तो हमें मिलता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो संकट में पड़ गया है, और इन्हीं संकट से निकलने के लिए हम पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षण पर ध्यान देते हैं और इनसे संबंधित नीतियां बनाते हैं और उस पर लागू करते हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो संकट से निकाला जा सके या उबारा जा सके। तो जैसा कि हम बताए कि यदि हम इसको ग्राफ पर समझेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे यदि हमारा उपयोग की दर है, उपयोग की दर और यहाँ पे संसाधन है, यदि हम संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे तो हमें एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जो अनुकूलतम उपयोग पर आधारित होगा। अनुकूलतम उपयोग होगा, ये अनुकूलतम बिंदु होगी, अर्थात यदि हम संसाधनों की उपयोग की दर है वो हम एक निश्चित दर से, मतलब कि एक निश्चित अवस्था में करते रहें तो हमें प्राप्त होगा कि एक बिंदु मिलेगा जिसको हम अनुकूलतम बिंदु कहेंगे, वहाँ तक तो हमारा जो संसाधन है उसके उपयोग की दर बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से उस बिंदु से अधिक उपयोग करना शुरू कर देंगे, वैसे ही हमारा पास जो संसाधन है वो कम होते हुए चले जाएंगे, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात हमारा जो पर्यावरण है वो संकट में पड़ जाएगा। और इन्हीं संकट को उबारने के लिए हम पर्यावरण संरक्षण को अपनाते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की बात जो है वो सिर्फ हम देखेंगे, इसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे कि वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किए गए और भारत अपने स्तर पर अपने देश में क्या उपाय किया पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित क्या उपाय किए गए। तो सर्वप्रथम पर्यावरण से संबंधित जो सबसे पहला सम्मेलन होता है उसको हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या कहते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये हमारा रहा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में सर्वप्रथम पर्यावरण को लेकर कोई भी संरक्षण यदि होती की बात की जाएगी तो स्टॉकहोम संरक्षण का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। और ये सम्मेलन होता है 5 जून 1972 को। कब? 5 जून 1972 को। ये सम्मेलन स्वीडन में होता है। और इस सम्मेलन से हमें दो बातों को ध्यान रखना है कि ये जो सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। तो इसके अगले वर्ष से ही 5 जून 1973 से ही पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और ये आज भी वर्तमान समय में भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही पर्यावरण दिवस की नींव पड़ी थी। इसी में ही एक नई संस्था का गठन हुआ था जिसको UNEP के नाम से जाना जाता है। UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे एकदम
कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनईपी या पूछ लिया जाएगा यूएनईपी क्या है, या किस सम्मेलन में बना गठन किया गया था, या किस सम्मेलन के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। हम लोग कहेंगे स्टाफोर्स सम्मेलन के अंतर्गत इसका गठन हुआ है, और यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। स्टॉकहोम से संबंधित हम लोगों ने तीन तथ्य को जाना कि स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के संरक्षण को लेकर पहला प्रयास था, और यह 1972 ईस्वी में किया गया था। वहीं 5 जून को ही इसी में ही घोषणा हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए। और तीसरी जो बात है वो यूएनईपी को लेकर है, तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है, इसी सम्मेलन के अंतर्गत बना प्रोग्राम है। तो आइए दूसरे सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो उपाय किए गए, जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसको कहा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो 1992 में हमारा दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये हमारा रियो डी जेनेरियो में किया गया, रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ही हमें दो चीज़ों को जानने में मिलता है कि इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 को पास किया गया था। एजेंडा 21 21 सूत्रीय कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को, जैसे जैव विविधता के संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा इत्यादि बातों पर ध्यान दिया गया था। और ये इसी शिखर सम्मेलन में ही एक पत्रिका का संपादन हुआ आवर कॉमन फ्यूचर नाम से। रियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, यहीं पर ही इस पत्रिका का संपादन हुआ। वहीं यदि हम रियो डी जेनेरियो के ठीक 10 साल बीतने पर रियो डी जेनेरियो को ही, ये हमारा जो उसी स्टॉकहोम के ठीक 20 वर्ष बाद हुआ था, वहीं यदि हम देखेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष बाद रियो 10 जो सम्मेलन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था, जिसका जो टॉपिक था वो सतत विकास था, संसाधनों के सतत विकास को लेकर वो रियो टेन में जोहानिसबर्ग में ये हमारा सम्मेलन हुआ था। ठीक रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, अभी 2000 कब, ठीक इसके 10 साल बाद 20 साल बाद 2012 में भी एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो 20 के नाम से जाना जाता है वह होता है हमारा 2012 में, जहाँ किस शहर में होता है, रियो डी जेनेरियो में। ठीक पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जिसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही दो संगठन निकल कर आते हैं, वो हैं हमारे UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन जिसका फुल फॉर्म है, UNFCCC का फुल फॉर्म है। बहुत कई जगहों पर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा UNFCCC क्या है या किस से संबंधित है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा UNFCCC ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बनाया गया एक संगठन है, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार रिपोर्ट जारी करता है, और इसी के माध्यम से ही शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जो UNFCCC है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो चलिए यह रहा हमारा UNFCCC। इसके बाद हम लोग जानते हैं कॉप, तो कॉप की भी स्थापना इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही हो गई थी। कॉप की जो कॉप का जो मुख्यालय है वो जर्मनी के बर्लिन में स्थित है और इसका जो गठन हुआ था वह 1995 में ईस्वी में हुआ था। और इसका जो पहली जो बैठक थी वो बर्लिन में हुई थी, वहीं जो दूसरा शिखर 25वां शिखर सम्मेलन हुआ वो हुआ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो इसका जो अभी हाल में ही 25वां हुआ 2020 में ही जो इसका सम्मेलन हुआ वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। जो कॉप का 21वां सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में हुआ था, जिसको पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि हम अगले प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो हमें मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल। जापान का एक शहर क्योटो, वहाँ पर ही इस सम्मेलन का आयोजन हुआ 1997 में, जिसमें कहा गया कि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल था इसमें कार्बन के उत्सर्जन के दर को कमी लाने के लिए इस प्रोटोकॉल को बुलाया गया था या इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जो कहाँ हुआ था, जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में, कहाँ पे हुआ, जापान का एक शहर है क्योटो। ठीक, तो क्योटो जो हुआ था ये कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाने के लिए किया गया सम्मेलन था, आयोजित किया गया सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल में एक वर्ड निकल कर आता है, कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, यदि हम देखेंगे कार्बन ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो ये कार्बन ट्रेडिंग होता है ये एक प्रकार का कार्बन को लेकर व्यापार होता है, जिसमें कोई भी देश जो होता है इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही कार्बन के उत्सर्जन की दर में एक दर में कमी के लिए हर विकासशील और विकसित देशों को प्रोत्साहित किया गया। और ये कार्बन ट्रेडिंग हर देश को मिलने लगी। तो ये जो कार्बन ट्रेडिंग है इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी विकासशील देश है वो वहाँ से जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होते हैं, वहीं जो विकसित देश हैं वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो विकसित देश होते हैं वो कार्बन ट्रेडिंग को खरीद कर अपने कार्बन की जो मात्रा है उसको बढ़ा लेते हैं, उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, और वहाँ से वो कार्बन जो ट्रेडिंग था कि अपने या तो मशीनों में इन्वेस्ट करिए जिससे कार्बन की दर की मात्रा कम हो सके। तो यहाँ से ही अगर ये विकासशील देश से कार्बन को व्यापार कर लेते हैं तो उनका जो कार्बन ट्रेडिंग है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यही था हमारा कार्बन ट्रेडिंग। तो पूछेगा क्वेश्चन कार्बन ट्रेडिंग संबंधित है तो बताएंगे किस काल से या किस सम्मेलन से, तो क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल खूब पूछा जाता है कि कब हुआ था, इसका स्थापना ये सम्मेलन कब हुआ था, हम बताएंगे 1997। किस लिए हुआ था, कार्बन के उत्सर्जन की दर को कम करना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। कहाँ पे हुआ था, जापान का एक शहर था क्योटो। तो ठीक, इसके बाद हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये सम्मेलन हुआ था ये हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में 1987 ईस्वी में। तो ये जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ये ओजोन संरक्षण को लेकर किया गया समझौता था। क्षरण से बचाने के लिए जो इनके लिए उत्तरदायी गैसें हैं उन पर क्या प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि ओजोन क्षरण को, परत की क्षरण को बचाया जा सके। तो इसको लेकर एक समझौता हुआ मॉन्ट्रियल में, उसी को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में ओजोन संरक्षण को लेकर 16 सितंबर ये जो समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए जो ये ओजोन संरक्षण दिवस है
वो हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये जो हमारा ओजोन संरक्षण दिवस है ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या हमारा पर्यावरण से संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए उपाय, यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत को लेकर पर्यावरण संरक्षण, भारत ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या उपाय किए हैं तो देखेंगे 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है, जिसके जिसके जो मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन जी। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो गठन हुआ 1985 में हुआ, ठीक इसके एक साल बाद भारत में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अधिनियम पारित हुआ। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इस पर डबल टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ भारत में, तो हम उत्तर देंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक इसके बाद हम देखेंगे 1988 में भारत की एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, जिसमें कहा गया कि भारत में किसी भी राज्य में 33% वन होने आवश्यक हो जाएंगे। 33% वन सिर्फ और सिर्फ इसका जो कहा गया, ये पर्वतीय भागों के लिए अलग कहा गया, मैदानी भागों के लिए अलग कहा गया। पर्वतीय भागों के लिए हमें 41% की बात आती है, वहीं वनीय क्षेत्रों के लिए हमें 33% की बात आती है। तो ये इसको लेकर एक वन नीति बनाई गई, लेकिन वर्तमान में यदि हम प्राकृतिक वनों की बात करेंगे तो पाएंगे कि हमें 21.5% ही वन मिलते हैं। यदि हम कुल वनों से संबंधित क्षेत्रों की बात करेंगे तो भारत के कुल वनों से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो हैं 24.4% भाग पर। तो जो हमारा ये लक्ष्य था, जो बनाई गई नीति बनाई गई वो 33% को लेकर बनाई गई, लेकिन हम वास्तविकता से अभी काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24.4% भाग पर ही वन मिलते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं 2002 में, तो 2002 में भारत ने जैव विविधता संरक्षण को लेकर भी एक अधिनियम पारित किया, जिसको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कहा गया। वो 2002 में पारित हुआ। जैव विविधता जहाँ पर जीवों की अधिकता हो, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बता देंगे इसी सीरीज के अगले वाले वीडियो में, कि हम देखेंगे कि जैव विविधता क्या है, कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं भारत में, क्यों हैं ये, कैसे पाए जाते हैं, इन सारी बातों को हम स्पष्ट रूप से कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि जैव विविधता संरक्षण जो अधिनियम था वो 2002 में पारित हुआ। यदि हम बात करेंगे भारत की जल नीति को लेकर, तो 2002 में भारत ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की, जो बनाई गई हमारी 2002 में। वहीं यदि हम पर्यावरण नीति की बात करें, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण मंत्रालय को लेकर नहीं, पर्यावरण नीति की बात करेंगे, तो हमें मिलेगा कि 2004 में पर्यावरण नीति का निर्माण किया गया। वहीं 2010 में NGT का भी गठन किया गया, अर्थात NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अर्थात जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका काम है कि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो तीव्र गति से निर्धारण करना है वो इसी संस्था के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो ये रही हमारी भारत के द्वारा किए गए उपाय पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो आशा करते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए उपायों को हम अभी तक
इसको सही से समझ लिए होंगे। चलिए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख दिवस हैं, तो हमने इसको एक क्रम से व्यवस्थित किया है, जिसमें फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये सितंबर। फरवरी से लेकर सितंबर तक पर्यावरण से संबंधित जो दिवस हैं वो आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि 2 फरवरी को विश्व नम दिवस या आर्द्रता दिवस अर्थात वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम 21 मार्च को देखेंगे तो भारत में या विश्व में 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वन दिवस के बाद ही 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जो विविधता दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो इसको याद करने का एक तरीका बता दें कि सर्वप्रथम इसके ऊपर है एक और याद कर लो, 20 मार्च। तो 20 मार्च को है गौरैया दिवस हमारा, ठीक। तो अगर हम इसको ऐसे याद करें कि विश्व नम दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद 20 मार्च को गौरैया दिवस, गौरैया ने जन्म लिया, कहाँ पे गई, वन में। तो वन में क्या हुआ, वन में खूब घूमी, फिर उसके बाद उसको जल चाहिए था और जल दिवस के रूप में, तो 22 मार्च को ठीक उसके एक महीने बाद 22 मार्च को वो जल की तलाश में गई, तो इसको हम जल दिवस के रूप में मनाए। जल मतलब कि वो वन में घूमी, फिर वो आई पृथ्वी पर, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी, फिर वहाँ पर देखी, यहाँ पर बहुत सारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों की विविधता है, तो जो विविधता दिवस 22 मई। और इसके बाद हम देखेंगे 5 जून को पर्यावरण दिवस, और इसके बाद हमारा 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो विश्व ओजोन जो संरक्षण दिवस था, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी के आधार पर ही 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये रही हमारा पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस। तो 2 फरवरी विश्व नम दिवस या विश्व आर्द्रता दिवस या वेटलैंड डे, 21 मार्च हमारा वन दिवस, 22 मार्च पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। तो हमारा ये रहा पर्यावरण से संबंधित हमारा पहला वीडियो। आशा करते हैं आप इस वीडियो में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर क्या उपाय किए गए हैं वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर, और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवसों को अच्छी प्रकार से समझा होगा। इससे जो क्वेश्चन है, जो संबंधित क्वेश्चन है, यदि कहीं पर डाउट्स होता है, उसको हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।